मैं से मीना से ना साकी से दिल बहलता है और मेरा आपके आ जाने से। ये गीत पर डांस से देश और विदेश में डांसिंग अंकल के तौर पर मशहूर हुए संजीव श्रीवास्तव, जिन्हें सभी सोशल मीडिया पर डब्बू अंकल के नाम से जानते हैं। डब्बू अंकल को आम आदमी से रातों रात स्टार बना दिया। संजीव श्रीवास्तव से मुलाकात की एवन टीवी के वरिष्ठ पत्रकार नीरज मेहरा ने। डब्बू अंकल बताते हैं कि वह खुद भी नहीं जानते थे कि साले की शादी में बीवी के साथ डांस करना उनकी तकदीर ही बदल देगा। उन्हें तो ये भी पता नहीं था कि वीडियो आखिर किसने वायरल किया, लेकिन अब सोशल मीडिया पर एक के बाद एक लगातार कई वीडियो वायरल हुए हैं, जिनसे उन्हें लगातार एक नई पहचान मिली है। आप भी देखिए कि डब्बू अंकल ने अपनी इस तकदीर बदलने पर क्या कुछ कहा। अपने साले की शादी में किए हुए डांस से रातों रात सोशल मीडिया पर स्टार बने संजीव श्रीवास्तव उर्फ डब्बू अंकल मेरे साथ जुड़ रहे हैं। डब्बू अंकल की जीवन में साले के शादी में किया गया डांस अचानक इतना बड़ा चमत्कार लाएगा कि वो देश विदेश की सेलिब्रिटी बन गए हैं। डब्बू अंकल आपको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। डब्बू अंकल, आपने सोचा था कि आप जो डांस कर रहे हैं, जो पिछले बता रहे हैं कि उम्र की 10 साल से आप डांस कर रहे थे, क्या आपने सोचा था कि इस उम्र के इस पड़ाव में आके आपको इतनी फेम मिलेगी? देखिए साहब, ऐसा है कि जो हुआ है वो तो कोई भी नहीं सोच सकता है। ये तो एक अकस्मात ऊपर वाले की कृपा बरसी है, वो ईश्वर की कृपा बरसी है। वो तो मैं क्या, कोई भी इस चीज़ को कोई नहीं सोच सकता है कभी भी, क्योंकि हाँ, अगर इस लाइन में आप लगे हुए हो, स्ट्रगल जारी है, तो मैं मान सकता हूँ। लेकिन मैं जो तो प्रोफेसर आदमी हूँ, तो मुझे तो कोई ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी। बस एक शौक ही है, मैंने अपना शौक बरकरार रखा था, क्योंकि मैं 10 साल की उम्र से ही डांस करता रहा हूँ। लेकिन संडे को अब इतना था कि अब इस एज में ये था कि संडे को अपने बच्चों के साथ इकट्ठे हुए और मस्ती कर ली, थोड़ी सी डांस कर लिया, ये सब चलता रहता था बस। अब तो सोशल मीडिया ने आपको स्टार बना दिया, अब क्या लगता है आपको, थोड़ा सा समय बच्चों को कम दे पा रहे हैं, ज़्यादा समय अब आप डांस पर दे रहे हैं? हाँ, ये बात सही है कि ये चीज़ें तो ऐसी हैं कि आती जाती रहती हैं, एकदम पीक पे भी जाती हैं, फिर डाउन भी होती हैं, फिर पीक पे चली जाती हैं। लेकिन हाँ, इतना है कि थोड़ा तो समय दूसरी चीज़ों में बटा ही है मेरा। और रही मेरी बात, तो मैं अभी घर पे ही हूँ, घर से ही मैं सारा बॉम्बे जाना है, जो भी करना है, जो भी मुझे प्रोग्राम्स मिलते हैं, जहाँ भी इवेंट्स पे जाना है, कोई भी अगर जैसे ऐड करना है, तो फ़र्क तो आया है, बच्चों को टाइम तो कम दे पा रहा है, क्योंकि अब अपनी प्रिपरेशन भी थोड़ी ज़्यादा करना पड़ती है। गोविंदा से लेके अमिताभ बच्चन तक आपके डांस की तारीफ कर रहे हैं, लोग आपके मुरीद बन रहे हैं, कैसा फील होता है? मतलब बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि देखिए डांस तो ऐसा है कि अगर मैं आज का डांस देखूं, तो आज के डांस के हिसाब से तो मुझे कुछ नहीं आता, और जो पहले की बात थी, पहले जो मैं करता था वही मैं आज कर रहा हूँ। लोगों ने उस चीज़ को पसंद किया, पहले तो उन लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आजकल तो छोटे छोटे से बच्चे, पहले मैं भी 10 साल का छोटा ही बच्चा था जब मैंने डांस किया था, तब मुझे भी लोग ये कहते थे कि 10 साल का बच्चा बहुत अच्छा डांस कर रहा है। तो आज जो बच्चे डांस कर रहे हैं वो तो अनबिलीवेबल वाली बात है। लेकिन हाँ, ये है कि इसके बाद अभी जो मेरा नया गाना आया खाई के पान बनारस वाला, उसमें सदी के महानायक बच्चन साहब ने जो ट्वीट किया, वो मेरे लिए बहुत बड़ा, एक तरीके से बहुत बड़ा आशीर्वाद है। तो मेरे जो भी वीडियो आते हैं और कलाकार उस पर वो दे देते हैं, तो ये ऊपर वाले का, ईश्वर का करम है मेरे ऊपर, और उसकी बहुत खुशी होती है सारे कलाकार। मैं तो सोच ही, एक आम आदमी हूँ, मैं तो सोच ही नहीं सकता था कि कभी मैं इन कलाकारों से मिल पाऊँगा। गोविंदा जी का डांस आप ज़्यादा करते हैं, गोविंदा जी ने आपके ट्वीट किया है, बाकायदा इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि मुझे अच्छा लग रहा है कि 37 साल बाद कुछ उसी गाने पर डांस करेगा और इतना फेम हो जाएगा, उनको अंदाजा भी नहीं था, सोचा भी नहीं था। सर देखिए, ऐसा है कि हमारे टाइम पे तो जो डांसिंग स्टार हुआ करते थे, सबसे पहले तो मिथुन चक्रवर्ती जी थे, और हमने जब होश संभाला तो हमने तो सर मिथुन जी को ही डांस करते देखा था, तो मैं मिथुन जी के ही गानों पे डांस करता था। और 86 करीब में फिर गोविंदा जी आ गए थे, फिर ये हुआ कि मेरी जो उस टाइम की जो बॉडी वगैरह जो थी और जो मेरे मूवमेंट्स थे, तो लोगों ने मुझसे ये कहा कि यार गोविंदा जी के डांस भी आप किया करो, तो फिर मेरा वो हुआ। तो धीरे धीरे फिर ऐसा समय आ गया कि शायद ही कोई मूवी रही होगी उस समय की जो गोविंदा की मैंने डांस की ना की, और मिथुन जी की भी। और हमारे टाइम पर दो और थे, ऋषि कपूर जी और जितेंद्र जी, और इनके डांस हमारे टाइम पर चला करते थे। इसके अलावा फिर धीरे धीरे ये चीज़ चलती चली गई,
और कोई भी प्रोग्राम हो, गोविंदा जी का डांस करना ही करना है, ये सब चीज़ें चलती रहीं और फिर आगे जो हुआ वो आप लोगों के सामने ही है। जी, उसके बाद हमने कई डांसेस डाले हैं, क्या वैसी सफलता मिली जैसे पहले गाने में जो मिली थी? देखिए सर, उसका तो मैं तो नहीं जानता था, क्योंकि जो मेरी एज है और जिस जगह मैं जॉब करता हूँ, तो मुझे सिर्फ आपके ये जो छोटा सा जो है मोबाइल, उसकी सर मुझे दो ही चीज़ें आती थी, एक तो व्हाट्सअप और एक फेसबुक। यूट्यूब क्या होता है, यूट्यूब चैनल क्या होता है, यूट्यूब पे चैनल बनाना चाहिए, ये सब मुझे बिल्कुल नहीं आता था और आज भी नहीं आ रहा है। आज भी मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे वो प्रॉपर गाइडेंस नहीं। बच्चे कर रहे होंगे आपके इसको सब कुछ? हाँ हाँ, बच्चे मतलब ये मतलब बच्चे तो मेरे अभी छोटे हैं, लेकिन हाँ ये है कि मेरे जैसे मामा के लड़के वगैरह ये सब लोग ये हैंडल कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं एकदम टोटली उस पर डिपेंड नहीं हुआ हूँ यूट्यूब चैनल। तो जो आप जो कह रहा हूँ कि देखिए, पहली चीज़ तो पहली ही होती है, जीवन पहली चीज कभी नहीं भुला पाता, लेकिन ये वीडियो जो आते हैं पहले यूट्यूब पे डालो, जैसे कंपनी वाले बोल देते हैं कि यूट्यूब पे डालिए, तो वो जो चीज थी, वो जो वायरल हुआ था वो अलग ही वायरल हुआ था। बाबू जी, अब कोई ऑफर मिला आपको कोई डांस कंपटीशन का या कोई और किसी नाटक का या किसी सीरियल का? सर मेरे वैसे तो 5 से 6 ऐड आ चुके हैं यूट्यूब पे, और अभी एक और ऐड जो वर्ल्ड कप के लिए बना है वो भी आने वाला है, और शायद कुछ कुछ थोड़ा थोड़ी देर के लिए मैं कुछ मूवी में भी दिखूंगा, जो ऊपर वाले का करम है मेरे ऊपर। और अभी ऐसी कोई प्लानिंग नहीं हुई है, कुछ सीरियल्स की बात जरूर चल रही है, लेकिन एक्चुअली मैं घर से अभी एकदम ऑफ नहीं हो सकता हूँ, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे घर की मेरे ऊपर ही है। फिर भी क्या सोचते हैं, आपको लगता है मैं थोड़ा स्टार बन रहा हूँ या बन गया हूँ, तो क्या सोचते हैं किसके साथ काम करना चाहेंगे आप? सर मौका लगे तो हर आदमी जानता है, वैसे तो ऊपर वाला मेरी सारी मुरादें पूरी करवाई दी हैं, लेकिन बिल्कुल आपको सभी जानते हैं दुनिया की कि सदी के महानायक के साथ एक बार थोड़ा सा भी रूबरू होने का मौका मिला तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। क्या आप इस जो फेमस जो हुए हैं उसके बाद गोविंदा जी से या किसी अन्य कला सुपरस्टार से मिले हैं आप? सर मेरी मुलाकात अभी तक ऊपर वाले का करम रहा मेरे ऊपर। मैं सबसे पहले तो मैं सबसे ज़्यादा सुनील शेट्टी जी को शुक्रिया देना चाहूँगा कि जब मैं वायरल हुआ था सबसे पहला कॉल उन्हीं का आया था मेरे पास, और उनकी ही कॉल आया था, ऐसा नहीं कि कोई और ने किया हो, उन्हीं की आवाज़ थी और उन्हीं ने मुझे बताया कि बस मैं पहले उनसे मिला, फिर इसके बाद मेरा मिलना हुआ सलमान खान जी के साथ जो 10 कदम में मैं आया था, फिर इसके बाद मेरी मुलाकात गोविंदा जी से हुई, माधुरी दीक्षित जी से हुई, और अभी के नए कलाकारों में जो डायरेक्टर हैं खेतान जी और तुषार जी, कोरियोग्राफर करिश्मा कपूर जी से मेरी मुलाकात हुई है, इसके बाद जॉन इब्राहिम जी के साथ मेरी मुलाकात हुई है, और रजा मुराद जी, राजू श्रीवास्तव। काम के ऑफर मिल रहे हैं थोड़ा? हाँ, काम के ऑफर में जो मिल रहे हैं मतलब मिलते रहते हैं मुझे ऑफर, और जो मुझे ठीक लगता है, जो मैं करना ठीक लगता है वो मैं करता हूँ। बाबू जी, आप क्या चाहते हैं डांस में, और कुछ सुधार करना चाहते हैं या और यूथ को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सर यूथ को तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा, सबसे जो कि बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल, तो वो बुरा भी ना माने अगर मुझे देख रहे हो तो, कि यूथ आजकल लोग नर्वस बहुत जल्दी हो जाते हैं और गलत गलत डिसीजंस बहुत जल्दी ले लेते हैं। अभी हालांकि मैं आपके आज जयपुर में एक प्रोग्राम के लिए आया था, तो आने के पहले मेरे शहर में मेरे घर के बगल में एक केस हुआ पढ़ाई को लेकर, उसका पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया, तो वो ये भी नहीं सोचते कि इसका हमारे माँ बाप पर क्या असर पड़ेगा, कि पहले का समय अलग था और आजकल बच्चे बहुत जल्दी नर्वस हो जाते हैं। तो मेरा सिर्फ उनसे यही कहना है कि सारी चीज़ों से हटके या तो ये गेम्स या म्यूज़िक के प्रति उनका प्यार होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत कुछ स्ट्रेस को हमारे जो है फ्री करता है, तो म्यूज़िक से जुड़ के हर इंसान को रहना चाहिए, कुछ भी करे, चाहे वो म्यूज़िक प्ले करे या डांस करे, गाना गाए, कुछ भी करे। कौन कौन से गाने आपके हिट रहे? सर अभी तो मैंने जितने भी वीडियो डाले हैं, और अभी जो एक मेरा एक म्यूज़िक वीडियो एक और आ गया है मेरे एक पर्सनल, एक अब मैं थोड़ा सा कह सकता हूँ कि हाँ भाई चलो ये गाना मेरे ऊपर है, चाचा नाच, जो कि काफ़ी अच्छा लोगों ने पसंद किया, सिंगर बेनी दयाल जी ने उसमें मेरे साथ काम किया, बल्कि मैंने उनके साथ काम किया है और वो काफ़ी पसंद। लोकल लोगों ने भी ऑफर किया होगा, लोगों ने इस्तेमाल लिए क्योंकि आप बसा उन्होंने? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लोगों ने मेरे से ऑफर किया है। भोजपुरी सिनेमा? भोजपुरी सिनेमा से सबसे ज़्यादा ऊपर, बहुत अच्छी बात बोली आपने, सबसे ज़्यादा जो मुझे ऑफर आते हैं वो भोजपुरी की पिक्चरों के ही आते हैं, तो लेकिन अभी मैंने कोई डिसाइड नहीं किया है उस चीज़ का। तो ये हैं डब्बू अंकल संजीव श्रीवास्तव जी, जिन्होंने जिनकी लाइफ एक छोटे से डांस वीडियो ने बदल कर रख दी, अपने साले की शादी में
सिर्फ एंजॉय के लिए इन्होंने शादी की डांस किया और डांस के स्टेप्स ने इनको देश और दुनिया में स्टार बनाकर रख दिया। अब इनको कई फिल्मों के भी ऑफर मिल रहे हैं, नाटकों के भी ऑफर मिल रहे हैं और इनकी इच्छा है कि सदी के महानायक के साथ इनको एक अवसर मिले। कैमरामैन विजय मिश्रा के साथ नीरज मेहरा, A1 TV, जयपुर।